ਫਰੈਂਡ ਹਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੇਮ ਛੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਿਗ ਬਾਸ ਸੀਜ਼ਨ 11 ਕਿਆ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਯੇ ਜੋ ਬੈਲਕਨੀ ਔਰ ਸਟਾਲ ਕੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕਮ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਯੇ ਊਂਚੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਿਫਟ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਆਊਂ ਦਿਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ तो आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सता है दूल्हे राजा अब तो आजा आ रहा हूं चलो हो गया ओ गोरी गोरी अम्मा किशोरी कभी मेरी गली आया करो ओ गोरी गोरी हेलो 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 इट्स सो गुड टू हैव यू हियर सर थैंक यू मैम सबसे पहली बात हम भी पड़ोसी रह चुके हैं अगर आपको याद है आई डोंट नो अगर आपको याद है कि नहीं बट बहुत बहुत साल पहले जब आप कर रहे थे दुल्हन हम ले जाएंगे की शूटिंग तब हम एक ही होटल में थे ओ, अच्छा। और हम पड़ोसी थे क्योंकि आपके फादर हमारे साथ काम कर रहे थे जी हाँ सो आई रिमेम्बर दैट एंड आज हम यहाँ स्टेज शेयर कर रहे हैं सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई मस्ट से बिग बॉस इज माय फेवरेट शो आई हैव सीन सम ऑफ योर वर्क आई थिंक यू आर हिलेरियस शी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन आई हैव सीन आफ्टर योर फादर ऑब्वियसली थैंक यू सो मच आपके लिए बिकॉज यू आपने मेरी इतनी तारीफ की तो आपके लिए एक छोटी सी आशा जी की मिमिक्री कर दूं पहले फादर की कर लो बाबा ये क्या हो गया बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए बाबा तो सर पहली बार हम एक हाउसिंग सोसाइटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिस इज समथिंग कंप्लीटली न्यू दिस इज डिफरेंट सर आप क्या बोलना चाहेंगे तारापुर गार्डन्स की ऑडियंस को ये पड़ोसी लोग जो यहाँ पर आए इनको क्या कहेंगे आप ये जब मैंने यहाँ की तस्वीरें देखी और यहाँ का जो ग्रीनरी देखा मुझे बड़ा पसंद आया एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल जाग गए आप लोग जी हाँ आई थिंक तारापुर वाला सोसाइटी इज अमेजिंग इट इज बेटर देन तारापुर वाला एक्वेरियम आई थिंक ये बहुत गंदा था सॉरी नो इट्स रियली नाइस एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस हियर वी आर लविंग इट एंड होप टू कम नॉट ऑन वर्क some point of time somewhere in life we'll come and visit you once again here yeah to sir aisa hota hai ki jab hum ek society mein rehte hain building mein rehte hain to ajeeb aur gareeb cheeze hoti rehti hain hoti yahan par ha hoti hai na ajeeb to hoti hai mujhe aisa lagta hai gareeb hoti hongi yahan par ajeeb cheeze hoti rehti hain to matlab hum bahut hi ajeeb situations mein kabhi kabhi phans jate hain jaise matlab kuch ladies hoti hain jo baatein karti hain walk pe nikalti hain to यहाँ वहाँ की बातें करती हैं या फिर बाई जो होती है अरे बाई बहुत बाई 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 जो होती है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और अगर बाई ने घर पे काम करना छोड़ दिया तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं मतलब घर का काम कौन करेगा तो ऐसी एक सिचुएशन हम यहाँ क्रिएट करते हैं अरे एक सिचुएशन ऐसी हमारे घर पर भी हुआ था जब हम बहुत छोटे थे तो एक नेपलीज एक लड़का जो हमारे बिल्डिंग में चार माले पे काम करता था उसका नाम है तेसू 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 ओके
तो तेसु और जो फ्लैट ओनर्स के बच्चे के साथ उनका कुछ झगड़ा हो गया एंड तेसु को उन्होंने काम से निकाल दिया. अब तेसु बेचारा बच्चा डिडंट नो वे टू गो, नेपाल से आया था. सो हमने उसको रख लिया हमारे साथ, लेकिन बिल्डिंग में कंप्लेंट कि हमने निकाला तो इस बच्चे को आपने कैसे रख लिया. तो माई अंकल फ्रॉम इंदौर हैड कम डाउन, भेजू चाचा ओके. सो भेजू चाचा ने कहा कि इस बच्चे का करोगे क्या यहाँ पे. अच्छा, उस बच्चे को घर का पता नहीं कुछ, नथिंग, ही न्यू नथिंग. तो इसे मैं इसको इंदौर लेके चला जाता हूँ. सो माई चाचा टुक तेसु टू इंदौर. टुडे तेसु इज द मालिक ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंदौर. ही अडॉप्टेड तेसु. तो तेसु की शादी हो गई, तेसु के तीन बच्चे हैं एंड तेसु इज वन ऑफ आवर ब्रदर्स नाउ. दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. तालियां फॉर तेसु. या तालियां तो होनी चाहिए. एंड फॉर माय भेजू चाचा एंड फॉर देम हु रिमूव्ड तेसु. तेसु की लाइफ चेंज हो गई भाई. अच्छा, दैट्स अमेजिंग. बट ये जो भाई का सिचुएशन है, जैसे मैं कह रही थी, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ये भाई है हमारे. जी हाँ, एक सिचुएशन हम यहाँ क्रिएट करेंगे समान सर. कर लो, यू डोंट माइंड. मैं बन जाऊंगी भाई. ओहो, हाँ, मैं कभी कभी कर लेती हूँ ऐसे सब रोज. नहीं, लेकिन वो है ना हमारी शी शी नाम का शी 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 हाँ हमारे पास शी 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 शिल्पा. नो नो, शी 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 नाम शांता. शांता नहीं, शी 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 शीता. नो नो, वैशी. शी हाँ जी, वैशी. वेयर इज द बाय? मैं बनूंगी शांता बाई. ओ, यू बीइंग शांता. हाँ जी, मैं बनूंगी शांता बाई. और हम व्हाई नॉट सकू बाई? और वो शोज के ना होटल के तो कुछ झाड़ू वाड़ी लगा रही थी. मैं बोला यार ये हाउस की, तो ऐसे बाबा तू शांता बाई सकू बाई है हमारे लिए. 50-60 लोगों के लिए बहुत सारा खाना लाते हैं. हाँ सर, मैंने सही सुना, 50-60 लोगों के लिए आप बहुत सारा खाना लाते हैं. कम सुना है? कम सुना है, थोड़ा ज्यादा आता है. और ज्यादा आता है. पर आप हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लाए. खाना कब से भूखी हूँ. लाया हूँ. अच्छा, लेकर आए आप? बिल्कुल लेके आया हूँ. वाओ, क्या लाए हैं? उसके अंदर एक बहुत बड़ा डेगचा है, उसके अंदर एक डिश है जो कि डिलिशियस है. डिलिशियस, इट्स गॉट राजमा. यम्मी. खाओगी? आपने खुद भरा है डब्बा. राजमा को खाओगी आप? ऑफकोर्स खाएंगे सर, आपके घर से आए तो क्यों नहीं खाएंगे. ठीक है, अच्छा ही होगा, टेस्टी होगा. अभी खिला देते हैं आपको. भाई एक साल हो गया भाई, तेरा लुक चेंज हो गया. हाँ, तो अभी भी हंस रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं. अरे वो पहले अला तेरे पास भी आ गया. कुछ करना पड़ेगा इसका. ये वही है ना, वो पहले जल्लाद थे. जल्लाद थे, अब क्या हो गया? सफेद सफेद कपड़े हो गए इनके. अभी डब्बा वाले हो गए. अरे आप आंखें बंद कर लो ना थोड़ी देर के लिए. क्या है, क्या क्या हुआ है भाई? तो डरा रहा है. आ जाओ, ये हमारा राज मां, खा जाओ. प्लीज वेलकम द सीईओ वाईकॉम 18 मिस्टर राज नायक. तालियां फॉर राज नायक. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ तारापुर गार्डन्स. थैंक यू वेरी मच. We wouldn't have been able to do this without you. You know, this is that time of the year when we launch our biggest show. It's not just the biggest show on colors, it's also the biggest show on Indian television. It's probably more expensive than a blockbuster movie. 100%. 100%. And definitely more expensive than Tube Light. So thank you very much. This year Bigg Boss is going to be different from all the seasons that you've seen. You know, one of the biggest challenges that we have year on year is how to reinvent, how to do things differently. So the concept this year has been Padosi, and I think you guys have spoken enough about it, so I won't go on and on.
All I'm requesting is you've given us our love, you've supported us every year. Please continue to do so this year as well. And to all the residents of Tarapura Gardens, please watch Bigg Boss starting on 2nd October at 9 p.m. Do you know if I tell you who his padosi is, you would have a heart attack. You would want to be living in his house. We want to know, we want to know. We definitely want to know. Bata do sir, aapki padosi kaun hai? Batao na sir. Batao na sir, padosi kaun hai? Padosi hai, padosan hai, kya hai? Aur fayda kya hai aise padosi hone ke? Meri padosi ek... Bahut hi sweet, bahut hi adorable, bahut hi likable, bahut hi nihayat hi khoobsurat. Aap hi bata dijiye. Sabse sundar, very talented, Alia Bhatt. Woo! Wow, sir, aap to bahut lucky hain. All right, so we are all ready and we should start the Q&A now with the media. So, kya aapke sawal ready hain? Hello, yes. Bhaijan, yes, yes, on yes, your right. Yes, can we have the Bhaijan, mics, on please? Your right. Yeah, yahan pe. Haan ji. Simran Singh from Book My TV. Bhaijan, aapke right mein? It's so damn hot. Yeah, on your right. Yep. Yeah, yes, sir. Ji. Paaji, sasrikal, paaji. Sasrikal, sasrikal. So, pehla, congratulations for the new show, new beginning, new season. Mera sawal aapse ye hai ki being a host, what are your expectations from the contestants? Matlab, jo pichle season, right, was a daunting experience for you. So, what's your expectations from? Sir, badtameezi na kare bas. Bas yehi hai. But you know, they, it's not in their control. Kyunki ye jo bahar ki jo team hai, jo ke control karti hai unko, it's like, they really torture them in the house. It's the most difficult format. I think this is like one of the most difficult formats that anyone can ever do. I mean, you need to have a lot of patience, you need to have a lot of willpower, sensibility, you need to know the game by heart. You know, it's like, it's a really difficult game. I mean, khane ko nahi, ek bathroom, you know, so much gossip going on, and then you become friends, and then the team outside makes them fight. All the tasks go on for 48 hours without food, without rest. They don't know whether it's day, night, they're coming, they're going, nothing. It's like very, very difficult. Hi, Khan Saab, Alok, this side. Sir, sawal hai ki itne sare format har saal badalte hain, kabhi common log aate hain, kabhi koi particular niyam hai jo aap badalna chahenge, aapko lagta hai ki ye niyam bhi is house mein hona chahiye? मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि जो फर्स्ट वीक का जो इविक्शन होता है वो थोड़ा सा अनफेयर होता है क्योंकि जब तक यू गाइस गेट टू नो पीपल एंड पीपल इन द हाउस गेट टू नो ईच अदर एंड द ट्रू कलर्स कम आउट टिल दैट टाइम अभी जस्ट पीपल जस्ट एडजस्टिंग इनसाइड एंड द फर्स्ट वीक द पर्सन इज आउट सो दैट आई थिंक वन शुड थिंक अबाउट विल या एंड फिल्मों के प्रमोशंस भी होते हैं खान साहब तो जी हाँ बहुत सारे लोग आएंगे जी किसका आपको इंतजार अभी आई थिंक अभी मुझे तो इंतजार है जुड़वा 2 का एंड आई थिंक दे विल बी विद अस सून जैकी एंड तापसी एंड वरुण वो गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन सर सलमान सर स्ट्रेट ओवर हियर Salman sir, you mentioned about he mentioned about film stars coming for promotions. Yeah. You have your own film also releasing in December. That is Tigers in That. Will that be promoted on the show? Sir, starting right now. Right now. Deepak sir, hello, Deepak. Yeah. हाँ. जैसे last year जो concept था जो India वाले आए थे तो कई बार जो जिसका जिक्र किया कि बदतमीजियाँ या ऐसा कुछ हुआ जिसमें आपको एलिमिनेट भी करना पड़ा निकालना पड़ा इस बार कुछ आप लोगों ने कुछ नियम रखे कुछ चीज़ें क्या ब्रीव करी हमने कुछ लाइक गाइडलाइंस या समथिंग नियम हर साल रहते हैं ये साल भी नियम है सो ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट बाइबल एंड अ रूल बुक दैट वी फॉलो तो कुछ भी वायलेंस या कुछ भी आउट ऑफ लाइन आउट ऑफ कैरेक्टर अनपार्लियामेंट्री अगर घर में होता है तो वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ रेप्रिमांडिंग देम इन द हाउस और रियली इविक्टिंग देम सो आई मीन एंड वी मेक नो बोन्स अबाउट रियली इविक्टिंग द पर्सन फ्रॉम द हाउस सो वी हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट सच थिंग्स या वी डोंट वांट टू मच गंदगी दैट इज नॉट कूल एट ऑल आई मीन बिकॉज़ यू नो इट्स कमिंग ऑन टेलीविजन एंड व्हाट्स द टाइम दिस ईयर 10 एंड पीपल वॉच इट नो किड्स वॉच इट यू नो सीनियर पीपल वॉच इट छोटे छोटे मोटे झगड़े वगड़े ठीक है लेकिन कभी कभी यू नो दे गो ओवरबोर्ड एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस लाइक आई डोंट थिंक यू लाइक इट सलमान सर एंड यू नो व्हाट पीपल वांट टू कम इन दे वांट टू रिवाइव देयर करियर्स यू नो दे वांट टू बी नोटिस दे वांट टू बी सेलिब्रिटीज वगैरह वगैरह एंड इट्स नॉट गुड फॉर देम एज वेल
No one wants to, you know, work with somebody who's unpleasant or who's not unprofessional, who's got a foul tongue, foul temper. So, Salman, sir, how involved are you in setting the format of the show? Every year there's a new format, so how involved are you in that? I'm not involved in that at all. I'm just involved in sorting out the people in the house. All right. Hi, Salman. And making sure that their TRP Salman, ratings fall down. Good evening, Salman, sir. I'm from Transfinder. Yes, ma'am. And अभी आपने दीपक सर से एक सवाल पूछा था, मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ. इनमें से किसको आप घर में बंद करना चाहेंगे? बड़ा टफ सवाल पूछ लिया आपने. कौन सा? And do you think you're going to survive? Survive? You think? Oppo surviving Salman. Really well. You don't think he can survive in the house? We are surviving with Oppo and Fizz and CP Plus. So just one person. And no one. Unko kya kisi cheez ki zarurat hai? Hi Salman. There's a buzz about that you're charging 11 crore for per episode for this season. What do you have to say about that? That's a huge amount. De do, sir. De do, sir. My question is to Nadia. Sir, can you comment on this, Bolo na. Any comments on this? Arre, bolo na. De do, bhai. 11:30. Salman Khan doesn't come so cheap. Oh. So that's true. Hi Will, you're on your left. On your left. Hi. Roshni here from Best Media Info. There are so many reality shows on television right now. Why do you keep coming back to Big Boss? I mean, this is not the first time. I like the format. I like the connect. I really like it. Even though I complain about it on some Fridays or Saturdays, now Saturday, Sunday. But I enjoy it. I get to learn a lot. No, seriously. I really get to learn a lot. I get to learn how to react sometimes, how not to react sometimes. I've started learning how to breathe. Excuse me, sir. Raj sir, aapke left. Sir, sir, sir. Sir, yahan pe. Raj sir, aapke left hai. Left. Aapke left. Amit from Dainik Jagran newspaper. Sir, jo matlab इस बार के सीजन का कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया? मतलब चूंकि भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ तो बहुत अच्छे या मतलब जो भी हैं, इस घर के लिए इस कॉन्सेप्ट का इजाद कैसे हुआ था? नहीं, वो तो हमारी क्रिएटिव टीम बैठती है और दे कीप आइडिएटिंग अमंग देमसेल्स एंड दे शॉर्टलिस्ट अ फ्यू थीम्स एंड बस दिस साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिवली आई थिंक दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल. तो बोला कि ठीक है. क्रिएटिव टीम फुल इन्वॉल्व होती है इसमें. बेसिकली हम लोग नाम चेंज कर देते हैं सलमान सर के लिए. कभी कॉमनर्स कभी. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर नादिया हियर एट द बैक राइट एट द बैक. यस सलमान सर, आपके लिए एक सवाल था. ओके, सो देयर आर सो मेनी शोज विद हाई रेटिंग्स अक्रॉस चैनल्स. व्हाई डू यू चूज बिग बॉस एवरी ईयर? बिकॉज़ आई लाइक इट. नो नो, ही इज आस्किंग नादिया. आई डू लाइक इट. एंड आल्सो अबाउट द रीब्रांडिंग दैट यू हैव डन दिस ईयर, हाउ हैज इट हेल्प्ड यू? First about the show, I think that the format of the show itself is quite unique. There are many shows, but this one is quite special, and like Salman said, because I like it. But the rebranding, Appy Fizz has been a leader in the category. It's a category that we created of sparkling fruit drinks in India. We hold 95% plus market share in this category. We really wanted to be able to grow this brand to another level, taking the category up to about 4,000 crores over the next few years. So the rebranding really helped us create a much larger impact in the market with a very strong presence on the shelves. Raj sir? So my name is Akshay. Raj sir? Raj sir, this question is for you. Raj sir, here. Yeah. You've been. Sawal puchiye aur dhantri ye madam. Sorry. So, Bigg Boss has been running for last 11 years. What's been your strategy to keep it relevant for last 11 years? What's been
season on season, what is बस सिंपल सा स्ट्रेटजी है सलमान खान को साइन कर दो ईयर ऑन ईयर काम हो गया Hi Salman, this is Sana from Indian Express here. You mentioned that you have the best neighbors in your parents, but have you ever faced some snoopy neighbors that you kind of irritated them, or it's a funny incident that you can share? And how are you as a neighbor to other people? No, my windows are open all the time, and my next door neighbor is Vaida aunty, and I don't think she's snooping around. And what about you? Do you snoop around? No. I used to do that when I was a kid, but now I. And so there's another question, since you, Shah Rukh and Akshay are the blockbusters in, give blockbusters in Bollywood, now you three will be there on TV. So it's kind of a new era that's rising. What do you have to say on Akshay and Shah Rukh joining you? I think they're amazing. I think Shah Rukh is a great host. Akshay is also really good. I mean, he's got this really good comic timing and he's very witty. And Shah Rukh's got his own personality, he's got his own swag, his own style, he's got his own charisma. So I think it's going to be quite a tough competition this time. Good evening, Salman. What is that one thing that has kept you hooked? For them. What is that one thing that has kept you hooked to Bigg Boss over the years? What? That one thing that has kept you hooked to Bigg Boss for so many seasons? It's that love and hate relationship, I think, that keeps me hooked on to Bigg Boss. Sometimes I really, really, really love the show, and then sometimes I'm not very fond of it, but it keeps pulling me back. And I don't think there is a better show than Bigg Boss on Indian television. And I think that everyone watches it, and they love it. I mean, I get so many calls, ke kaun ja raha hai ghar ke andar. So it creates a huge buzz when it's like, just starts, and then every week, who's going to get, you know, evicted and have. So this is me, Akshay from Red FM. Sir. Yeah? No, you can't keep on asking. Let somebody else ask. Sir, this is me, Akshay from Red FM. Sir, I just wanted to ask you. My favorite season, you said? Yeah. Five, five. Sir, I just wanted to ask you, season mein kya different hai? Jo pehle seasons mein tha. Contestants alag ho gaye. Good evening, sir. Good evening, sir. You've already, you know, you have many takya kalams. आपके काफी रह चुके हैं जैसे पहले सीजन में था, you know. अभी आपने latest जो add किया है वो ये है कि you know do whatever you want to do but don't trouble your mother. इस बार आपका क्या रहने वाला है? अब देखेंगे first day जब shoot करेंगे तो क्या आता है. नया गर्मा गर्म बनाएंगे उस वक्त. Hi Will, my question is for you. So what similarities do you see between, you know, OPPO users and the viewers of Bigg Boss? So why do you keep coming back to Bigg Boss every season? I think the most important for this property, for this show, is they are not one of a kind. It's very unique format reality show, even nowadays in India. There's no other shows that you can see like Bigg Boss. And there's no other places you can see Salman Khan, right? And the second one is, I think most important one is the innovation. Because just like OPPO, selfie expert, we also keep innovating our technology on the selfie cameras. And every season by seasons, I think Bigg Boss always give you some surprising and which you have never seen before in this show. I think this is the most two factors that we believe that this association is a successful partnership. I have Vaida aunty, Vaida Rahman, one of the most beautiful women that we have in our country. The current lord. All of them. I'm happy with Vaida aunty. I'm seriously really happy about the auntie being my neighbor. Yeah. Salman sir, straight here. Yeah, big ear looking, huh? Thank you. Ear looking. Working out. Salman sir, my question is, you know, the best. I've lost weight this time. Ripped. How? You were saying? Yeah, I'm saying that, you know, the best part about this show is that you are always yourself. When you are having fun, when you're dancing, when you're cheering the contestants, or even the times when you reprimand the contestants.
But there are times when, you know, things go out of control and you also get angry and you say that you will never return to Bigg Boss. Does these controversies affect you personally ever? What do you think? What do you think? I don't think so, but still, yeah. At times maybe we get very annoyed when we see you annoyed on screen. Then you should stop writing all that stuff about me. Hi. So this will be the last question of the evening. Yeah, please go ahead. Yeah. My question is for Mr. Yogesh. So hi, Santosh. Yes, Santosh here from Indian Television. So you've recently signed up with Salman Khan as your brand ambassador. Was it a part of the Bigg Boss deal or was it independent of it? No, it was not a... Yes, hey. Chalu. We have been associated with Bigg Boss for almost, this is the third session. And I think that given the charisma of Salman Bhai and the message which we want to give to the country about the security and the surveillance, I think Bhai no can be the better brand ambassador than Salman Bhai. So obviously he was the best fit and the right choice for us. Basically, ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाले ऐसे बचा ले चल रहा है तो ऊपर वाले. Hi Salman, it's Nikki from Spotboy. Second last question. Yeah, yes. What did you ask? Hi Salman. क्या पूछा आप? Stand up. Stand please. Yeah, on the left. Yeah. Hi Salman, it's Nikki from Spotboy. As commoners are. You have no respect for your seniors. Oh. Huh? Grandmother की age की हैं ये. 200 साल से film journalism में हैं और. नहीं नहीं बच्चे आके माइक दे दिया तो प्लीज गिव हर द माइक फर्स्ट या प्लीज हाँ वैसे देखा आवाज इतनी बुलंद है हेलो व्हाट आई कैन हियर यू हाँ व्हाट डू यू सेइंग ओके जोर से प्लीज कैन वी हैव द माइक हियर फॉर मैम प्लीज ऐसा निकलता हूँ इन सब में से आजकल थोड़ा सा स्मार्ट हो गया हूँ थैंक यू या प्लीज रिपीट द क्वेश्चन फॉर अस या सलमान इफ यू गेट अ चांस टू बारा बजाओ वन ऑफ योर क्लोजेस्ट बॉलीवुड नेबर हु इट वुड बी कोई माइक छीने अच्छा ठीक है मत बोलो नहीं ऐसा कोई है ही नहीं ऐसा कोई है ही नहीं सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग फ्रॉम स्पॉटबॉय यस सलमान आई जस्ट वॉन्टेड टू नो पड़ोसियों का जो सबसे बेस्ट काम होता है वो होता है लोगों की कंप्लेन करना सलमान की कितनी कंप्लेंट्स घर में आती हैं अभी भी आपके फैंस आपके गेट के बाहर इतना ज्यादा भीड़ लगा के खड़े होते हैं आई एम श्योर लोग वो काफी कंप्लेंट्स आती हैं और हमारे जो नेबर्स है उससे काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं बिल्डिंग वाले सो वी ट्राई एंड टेल द फैंस नॉट टू Machao Udham outside the building. And so now there's security, vagara vagara hai, so we just keep them slightly at a distance so that the cars coming in, cars going out, the neighbors don't get affected. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for this lovely evening. Thank you, media. And now this is the moment for a photo op. So can we quickly have the structure on stage, please? Hashtag Bigg Boss to structure. बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है कैन वी हैव दैट ऑन स्टेज प्लीज हमारा ओप्पो सेल्फी आराम से बच्चा है आप थोड़ा पीछे हो जाओ पीछे हाथ पकड़ा दो
बच्चों को लेके आ जा। अरे बीच में मत आ, अरे आ जा।